सो है एवरीवन, आज रिव्यू करेंगे द टाइगर गेम का। एंड काफ़ी यार क्या ही कहूँ, मिक्स रिएक्शन है मेरे। एक तो इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन गेम का जो थीम है वो मुझे समझ नहीं आया। बस आपको शिकार करनी है, जो जंगली जानवर आसपास है वो उनकी शिकार करनी है, दैट्स इट। और जो अदर प्लेयर्स है जो खेल रहे हैं उनसे बात कर सकते हो, बात भी नहीं चैट कर सकते हो बस आप। हाँ, अगर उनसे अगर आप माइक के ज़रिए बात कर पाते और उसके साथ साथ शिकार कर पाते तो कुछ अलग बात थी। लेकिन यार चलो छोड़ो, चलो गेम के बारे में बात करते हैं। अभी गेम के ग्राफिक्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे इस गेम की पसंद आई है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, एक मेरे ख्याल से 100 MB का गेम है और उस हिसाब से ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं गेम के। एंड बात करें ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो थीम चूज़ किया कि बस शिकार करना है जानवरों का, उसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा ना मतलब डिसपॉइंटेड हूँ। एंड बात करें बैकग्राउंड साउंड की, तो यार वो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, ना ज़्यादा ख़राब लगा। इट्स गुड फॉर मी। एंड जो ओवरऑल गेम का जो बोलूँ, अगर ग्राफिक्स को छोड़ के, तो मैं बड़ा मतलब ख़राब लगा मुझे, क्योंकि इस गेम में बहुत पोटेंशियल है ग्रो होने का। अगर ये थोड़ा सा माइक वगैरह ऐड करे गेम में, माइक की सुविधा, ताकि लोग आपस में बात करें और साथ ही साथ थोड़ा जंगल एक्सप्लोर कर पाए एंड जानवरों को साथ में मार पाए, ये तो बहुत मज़ा आएगा। लेट्स सी अगर इस गेम में ये करते हैं। अभी भी साथ में शायद से जाके प्लेयर के साथ शिकार कर सकते हैं, लेकिन वही है यार, बात चैट के जरिए नहीं करता कोई भी। खासकर इंडिया में यार, इंडिया में सब माइक के ज़रिए बात